आपका बहुत बहुत आभार प्रकट। सभी बधाई दे रहे तो मैं भी बधाई दे दूं। मैंने कहा सब बधाई दे तो मैं भी बधाई दे दूं मंत्री जी को। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र की बहुत वर्षों से मांग रही है कि लालगंज से वाराणसी होते हुए, वाराणसी से लालगंज होते हुए आजमगढ़ से गोरखपुर तक नई रेल पटरी एवं नई रेल गाड़ी चलाने का प्रबंध हमारे क्षेत्र में किया जाए। मैं मांग करती हूँ कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एवं अन्य महानगरों के लिए नई रेलगाड़ियों चलाने का प्रबंध किया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता के आवागमन को राहत मिल सके। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करती हूँ कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से जाने वाली महुआ एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा, गरीब नवाज, मऊ एक्सप्रेस ट्रेनों को सरायमी स्टेशन पर भी रोका जाए, जिससे वहां की जनता को इन ट्रेनों का लाभ मिल सके। पूरे देश के स्टेशनों के साथ साथ आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन के निकट काफी जमीन खाली पड़ी है। उन खाली जमीनों पर विश्रामालय एवं हाट व मार्केट बनाया जाए, जिससे कि यात्रियों को अपनी जरूरी वस्तुएं वहां से खरीद सके और सरकार की आय व रोजगार भी बढ़े। सर मेरा एक दो चार करना चाहता है। सर मेरा स्टेट का ये बोला नहीं है, मेरा स्टेट का आप बोल रहे ना एक साढ़े ग्यारह बजे प्लीज, ठीक है ना, साढ़े 11:30। यस सर। संगीता जी, रेलवे दुनिया का सातवां सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान है। इसमें 13 लाख कर्मचारियों से भी ज्यादा काम करने वाले लोग हैं एवं 2,30,00,000 यात्री से भी ज्यादा रोज सफर करते हैं। रेल मंत्री रेल विभाग के समस्त कर्मचारियों समूह क ख ग के सापेक्ष SC ST OBC के आरक्षण के रिक्त पदों को बैकलॉग या विशेष अभियान चलाकर उस रिक्त स्थानों को तत्काल भरा जाए जो भारी संख्या में विगत वर्षों से खाली पड़े हैं। मैं मांग करती हूं कि 100 डेज एक्शन प्लान के माध्यम से 7 इकाइयों का इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बनाने का जो प्रस्ताव जारी किया है उसे रोका जाए। दुख की बात यह है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा अभी हाल में पेश आम बजट में इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही 2 ट्रेनों को IRCTC के माध्यम से निजी क्षेत्रों को देने के और अनेक कार्यों को ठेकेदारी प्रथा लागू की गई है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन मामले आ चुके हैं जो बहुत ही दुखद है। माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिलाना चाहती हूँ, जहाँ के रेल कर्मचारी निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उनकी सभी मांगों को मांगकर धरना प्रदर्शन को तत्काल समाप्त किया जाए।